नमस्कार डुगना में थोड़ा स्वागत है। खबरें की तफसीली करने मैं देवेंद्र सिंह। श्रीनगर च सुरक्षा बलें ते आतंकियों विचकार होए टाकरे च सुरक्षा बलें दो आतंकियों की मारी टकाया। मारे गए दोवें आतंकियों का संबंध आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के कन्ने दसया जा करता है। जानकारी के मुताबिक मारे गए आतंकियों च एक तहरीक हुरियत के चेयरमैन का पुत्र जुनेद सहराई भी शामिल है। टाकरे च जम्मू कश्मीर पुलिस का एक ते सीआरपीएफ का भी एक जवान जख्मी होया जिन्हें की इलाज किया अस्पताल भर्ती कराया गया है। टाकरेली थारा थमां सुरक्षा बलें भारी मात्रा च हथियार ते गोला बरूद भी बरामद किया है। पुलिस ते सीआरपीएफ ते श्रीनगर के नवा कदल इलाके च किश आतंकियों की मौजूदगी की एक सूह के आधार पर यह अभियान सोमवार चिरे राती शुरू किया गया है। पूरे देशा दे कन्ने कन्ने जम्मू कश्मीर च भी चौथे लॉकडाउन का सख्ती कन्ने पालन किया जा करदा है। केंद्र पासे जारी दिशा निर्देशों का सख्ती कन्ने पालन करते हुए सुरक्षाकर्मी अपने फर्जा की बखूबी कन्ने अंजाम देने च जुटी गए हैं। हुण कई कारोबार ढंगे तरीके कन्ने खुलने थमां लोकें भी सुखा का साह लैता है ते इयै वजह जे हुण खास तौर उपर बड़ले ते तरकालें दे समय पर सिड़कें पर गड्डियों च दा रश रोंदा है ते सुरक्षा वाला हर गड्डी दे ड्राइवर थमां पुछगिछ करने दे मगरा गै उसकी अग्गे जाने की इजाजत दिया करदे हन। जम्मू के ज्यादातर बाजार बंद ते किश बाजारों च दुकान रखे गए समा पूरा होने के मगरा बंद करी दित्तियां जांदियां। इहदे अलावा लॉकडाउन च भी ट्रैफिक पुलिस मुस्तैद है ते यातायात के नियमों की त्रोड़ने वाले कन्नै कोई नरमी नहीं वरती जा करती है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू होरें अज उधमपुर रेलवे स्टेशन का दौरा करिए उत्थे किए गए इंतजामों का जायजा लिया। उन्हें बाहरली रियासतें थमां इत्थे पुज्जने वाले जम्मू कश्मीर के बसनीकें की सहूलत लई कीती गई जानकारी दी जिहड़ी सुरक्षा जिहड़ी सहूलत उन्हें दित्ती जा करदी है उहदी जानकारी लैती ते प्रशासन के अधिकारियों की किश जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। उन्हें गलाया जे बाहरली रियासतें थमां आने वाले कुसै भी बसनीक की कुसै भी चाली की परेशानी नहीं होनी चाहिए। कोरोना महामारी के चलते मौजूदा समय च सबने स्कूल कॉलेज बंद ने। शिक्षा महकमे सबने स्कूलें की बच्चे की इंटरनेट के जरिए पढ़ाने के निर्देश दिते हैं। इस आदेश पर अमल करते हुए सब स्कूल अपने विद्यार्थियों की इंटरनेट के राय पढ़ाना शुरू भी कर दिता है, पर जम्मू के अखनूर इलाके नैटवर्क घट होने करी छात्रों की तय मुसीबत बने रहा है। छात्रों के मुताबिक इंटरनेट नहीं चलने करी उनकी पढ़ाई पूरी चाली कन्नै प्रभावित हुआ करती है। उत्थे गए बच्चे के घरवाले का भी गलाना है जे नैटवर्क घट होने करी बच्चे पढ़ी नहीं सका करते हैं ते ओ उनकी पढ़ाई दिनों दिन पिछड़ती जा करती है। इन्हें छात्रों दे ते अभिभावकों मुताबक प्रशासन थमां उन्हें इस समस्या का तौले नबेड़ा करने की मांग की है। मैं बच्चों की खासकर इतनी दिक्कत पेश आ रही है, बच्चे पढ़ाई में बहुत ज़्यादा वीक होते जा रहे हैं। ये ना तो पढ़ पाते हैं, ऑनलाइन जो सिस्टम है ये हमारे बच्चे गांव में इतना मुश्किल हो रहा है इनको, ना तो ये 2G जो सिग्नल चल रहा है उसके चलते ये बच्चे नहीं पढ़ सकते, ना तो इसका इनका वो क्लियर होता है वो 2G का, ऐसा इंटरनेट का जो सिस्टम है वो 2G पे ये क्लियर नहीं कर पाते हैं, और ना ही ये बस बारीकी से देखते रहते हैं। लेकिन बच्चों की जो पढ़ाई का सिस्टम ऑनलाइन चल रहा है वो सिस्टम अच्छा नहीं चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे वैसे ही नेट की बड़ी प्रॉब्लम है, 2G नेट चल रहा है तो बच्चों को काफ़ी पढ़ाई में दिक्कत आ रही है। जिन बच्चों को हमने मोबाइल से दूर रखना था आज उन्हीं बच्चों को हम मोबाइल के पास रख रहे हैं, ना तो बच्चों को कोई सोने का वो हो रहा है ना कोई, तो कईयों का नेट ही नहीं चलता है, उनकी एजुकेशन वैसे ही वो हो रही है। तो मेरी प्रशासन से यही वो है गुजारिश है, DC साहब से भी यही गुजारिश है कि इस सिस्टम को थोड़ा सा चेंज किया जाए। लॉकडाउन के चलते हमें पढ़ाई में बहुत दिक्कत आ रही है, दिन ब दिन हम काम करते वक्त हमारे हम फोन में देखकर काम उतारते हैं, हमारी आँखों की रोशनी दिन ब दिन कम होती जा रही है, रात को नींद भी नहीं आ रही है, सिर में दर्द होता है,
और हम बाहर ट्यूशन के लिए भी नहीं जा सकते, इसलिए हम और 2G नेट है, इससे पेज भी नहीं डाउनलोड हो पा रहा है, और जब डाउनलोड होता है तो हमें फ़ोन से उतार कर काम करना पड़ता है, इसलिए हमें बहुत दिक्कत आती है। हमारी प्रधानमंत्री से यही अपील है कि वह 4G नेट खोलें और जल्द से जल्द हमारे स्कूलों को खोलने की कोशिश करें। लॉकडाउन के चलते जो फिफ्थ लॉकडाउन है और हमें पढ़ाई करने में दिक्कत हो रही है, और हम मोदी प्रधानमंत्री जी से ये अपील करते हैं कि वो 4G नेट भी चलाएं या हमारे जल्द से जल्द। यह बच्चे जड़े गला करते कि जेड़ा 2G चला करता है और उनकी मती मुश्किलें का सामना होआ करता है। हुण चलने लद्दाख थमां एक अच्छी खबर होआ करदी है कि लद्दाख च कोई भी करोना का जेड़ा मरीज हुण उत्थे नहीं रहा है। लद्दाख जेड़ा करोना मुक्त हो चुके दा, इहदे थमां साडा कन्ने जुड़ी चुके दा, लद्दाख थमां साडा कन्ने जुड़ी चुके दा मोहम्मद इसाक, उंदे कन्ने गलबात करने आ। मोहम्मद इसाक आपको आवाज आ रही है? जी। मोहम्मद इसाक, ये बताइए लद्दाख की क्या अपडेट है इस टाइम? जी, यूनियन टेरिटरी लद्दाख में अभी कोरोना वायरस के कोई भी एक्टिव केसेस नहीं है। अब तक लद्दाख में COVID-19 के 43 कोविड पॉजिटिव केसेस पाए गए थे, उनमें से 9 करगिल से थे और 34 लेह से थे। और अब लद्दाख में COVID-19 के कल तक 19 COVID-19 के पॉजिटिव पेशेंट्स थे, और कल 17 पॉजिटिव पेशेंट्स के सैंपल्स की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें सियातियाब होने के बाद उनको डिस्चार्ज किया गया था, और 2 COVID-19 के पॉजिटिव केस भेजे थे। अब लद्दाख में उन दो जो आखिरी 2 COVID-19 पॉजिटिव के सैंपल्स भी कल शाम रात देर गए, उनकी रिपोर्ट भी नेगेटिव आई, और अब लद्दाख में COVID-19 के कोई भी एक्टिव केसेस नहीं है। इस हवाले से जो COVID-19 के पॉजिटिव पेशेंट्स डिस्चार्ज करते समय उन्होंने जितने भी जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, खासकर पैरामेडिकल स्टाफ हैं और जो डॉक्टर्स हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हुए उन्होंने लोगों से भी अपील की कि जिस तरह से गवर्नमेंट की तरफ से जो एडवाइजरीज जारी की है इस चेन को ब्रेक करने के लिए, तो उन्होंने लोगों को अपील की कि गवर्नमेंट के एडवाइजरीज को फॉलो करें। और साथ ही साथ अब लद्दाख में COVID-19 के चलते जो चेन है वो ब्रेक होते हुए नजर आ रहे हैं। साहब, हमें ये बताइए, ये जो क्वारंटाइन किए गए हैं लोग, उनमें से कितने अभी लोग क्वारंटाइन है और कई कितने लोग घर जा चुके हैं? जी, अभी हेलो जी बोलिए जी। क्वारंटाइन में जिस तरह से ईरान से लगभग 310 आखिरी बैच का जायरीन लद्दाख पहुंचाया गया था, और क्वारंटाइन में वो लोग हैं और कुछ बाकी कुछ लोग हैं क्वारंटाइन में। और अभी COVID-19 के लिहाज से कोई भी पेशेंट लद्दाख के अंदर एक्टिव पॉजिटिव COVID-19 के पॉजिटिव केस नहीं है। अब ये माना जा रहा है कि लद्दाख COVID-19 के लिहाज से इस वक्त एक्टिव पॉजिटिव केस के लिहाज से मुफ्त है। और साथ ही साथ हम आपको बताते चले, लद्दाख के जिस तरह से लॉकडाउन का चौथा फेज शुरू हुआ है, वहीं लद्दाख के अंदर जो दोनों जिले के DM हैं, उन्होंने एडवाइजरीज और जो रिलैक्सेशन जो गाइडलाइन निकाला है लोगों के लिए, उसमें यह लद्दाख थमां साढ़े कन्ने जुड़ी चुके थे मोहम्मद इसाक, जी लद्दाख का जानकारी दिया करते कि इस टाइम लद्दाख च जेड़े कोई भी जेड़ा कोरोना का मरीज उत्थे नहीं है। जेड़ा सरकार पास जेड़ा एडवाइजरी जारी की गई है उसका जेड़ा उत्थे दिशा निर्देश उसका जेड़ा पूरा पालन उत्थे किया जा करता है। हुण चलने अगली खबर पास है, तो लॉकडाउन च जम्मू च फसे बाहरली रियासतें दे लोकें गी उनके घर वापस भेजने का सिलसिला जारी है। इस दे तहत अज जिला सांबा के बड़ी ब्रह्मणा इलाके थमां 1200 मजदूरें गी उनके रियासतें लई रवाना किया गया। सांबा के DC रोहित खजूरिया होरें मध्य प्रदेश के इन्हें मजदूरों की बसें कटरा की तरह रवाना किया, जितों इन्हें की रेल थमां मध्य प्रदेश भेज दिया जाग। ये जम्मू कश्मीर सरकार ने एक फैसला लिया है कि जो बाहरी राज्यों के यहाँ लेबर है, मजदूर हैं, उनको अपने राज्यों में वापस भेजा जाए, तो उसकी कड़ी में सबसे पहले उन्होंने सांबा डिस्ट्रिक्ट को चुना है, और यहाँ पर रहने वाले जो मध्य प्रदेश के मजदूर हैं या लेबर हैं, उनको रेल के द्वारा मध्य प्रदेश भेजने का आज दिन रखा गया है, और हम यहाँ से अब लेबर रवाना कर रहे हैं कटरा के लिए। कटरा से इनकी ट्रेन जो है रवाना होगी मध्य प्रदेश के लिए। हमको उधर तक पहुँचा रहे हैं और हमको अच्छा लग रहा है, इसलिए क्योंकि उधर बच्चे भी खुश हो गए हैं कि हमारे मम्मी पापा उधर फंसे हुए हैं जो आने वाले हैं,
बहुत अच्छा लग रहा है और मोदी सरकार का धन्यवाद और यहाँ की टीम का धन्यवाद जो इन्होंने ये जो नाकाम तो सभी को कामयाब किया, सभी को अपने घर भेज करके बहुत अच्छा लग रहा है और सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। यह सांबा जड़े लोग फंसे जिन्हेंगी जोड़ा डीसी जो सांबा के डीसी उनके पास जो उन्हें घर भेजा गया, कटरा ले रवाना किया गया, कटरा थमां इन्हेंगी ट्रेन के जरिए उनके जोड़ा राज्य है उत्थे की रवाना किया जाग। इन्हें सारे जने जिला प्रशासन के कन्ने कन्ने मोदी सरकार का केंद्र सरकार का जोड़ा धन्यवाद किया। हूँ चलने अगली खबरें पास है, जिला कठुआ च कोरोना योद्धा की समान देने का सिलसिला जारी है। इसके तहत पूर्व सैनिक जिला पुलिस कार्यालय च पुलिस अधिकारियों के जवानों की सम्मानित किया। इस मौके पर मौजूद कठुआ के SSB डॉक्टर शैलेंद्र मिश्रा ने गलाया कि कठुआ के लोगों कोरोना की जंग डटी है लड़ी है तो बाहरली रियासत थमां आने वाले कई लोग इस जिले थमां निकली है गए पर इतने के लोगों कोरोना की हराने पूरा सहयोग दिता है। कठुआ में अब तक इस महामारी का कम्युनिटी स्प्रेड नहीं हुआ है। आप देखें हमारे जितने केसेस पॉजिटिव हैं वो सारे के सारे क्वारंटीन सेंटर से आ रहे हैं। एक आध अपवाद है जिसमें गर्भवती महिला है जिसको पॉजिटिव पाया गया, बट उसकी भी टेस्टिंग हमने खुद एडवांस में करा के रखी थी। उसकी टेस्टिंग इसलिए नहीं की गई कि वो बीमार है, एक हमने प्रोटोकॉल फॉलो किया तो उसके बीमार होने से पहले हमें पता चल गया कि वो कोरोना पॉजिटिव है और वक्त रहते क्वारंटाइन कर दिया गया। तो इतने दिनों बाद भी 2-2.5 महीने बाद तकरीबन 125 क्वारंटीन सेंटर्स को संभालते हुए, 7,000 क्वारंटीन लोगों को संभालते हुए, 13 रोड्स एंट्री को ब्लॉक करते हुए, दिन में 4,000-4,500 लोग, तकरीबन अब तक 60,000-70,000 लोग लखनपुर कॉरिडोर क्रॉस कर चुके हैं हमारी ओर। देहाती इलाके बने दे बैंक च तैनात स्टाफ पर जिथे कमे का भार बधी गया उत्थे लाकडाउन के नियमों का पालन कराना भी बैंक की मजबूरी बनी गई है। ज़्यादातर बैंक लाकडाउन के नियमों का पालन तो करार करते हैं पर बालियां लंबियां रिंगे च खड़ोते दे लोकें गी हुण धुप्प च खड़ोना मुश्किल होआ करदा। बैंक पासे लोकें गी ना दे धुप्प थमां बचाने गी कोई इंतजाम किया गया ते ना गै उंदी त्रेह मिटाने गी पानी का कोई बंदोबस्त किया गया है। ये लोग बड़ला बैंक के बाहर रिंगे च लगी जांदे ते इन्हेंगी कई घंटे इ'यां गै धुप्पै च खड़ोना पौंदा है। सुनो बोलू ये कठुआ दी तस्वीरां तुस दिखा करदे जिहड़े कि उत्थे दे मकामी बसनीकें दा गलाना है जे उनेंगी जिहड़ा राशन दिता गया करदा है उहदे च धांधली होआ करदी है। इन्हें लोकें राशन गी लेइयै जिहड़ा उत्थे हंगामा कीता हुण तुसेंगी दसने इन्हें तस्वीरें दे राज दसने कि लोग केह आखा करदे न। अपना बनाया हुआ है डिस्टेंस के रखने के लिए गोलदारे वगैरह लगाए हुए हैं, लोग क्या करें, जो बूढ़े आदमी बूढ़ियाँ बेचारियाँ लेडीज़ हैं वो सुबह आ गए गोलदारों में चप्पल डाल देते हैं, धूप में कहाँ बैठे रहना है इतनी देर, धोते होते तीन तीन घंटे। तो इसकी वजह है कि वो जा कुछ ना कोई बंदोबस्त किया जाए उधर, जा कोई बैंक वाला, जा कोई कर्मचारी, जा कोई दूसरा कोई संस्था वाला, कोई भी वो कर सकता है, वो कोई एक को टेंट लगा दें थोड़ा सा उनको बैठने बूठने के लिए थोड़ा दूर दूर उठा दें। तो ऐसा है कि जो चप्पल है रखी हुई वो बेचारी बूढ़ियाँ चप्पल को उठाती हैं आगे करती हैं और खुद छाए में जाकर बैठ जाती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, बैंक वाले भी देख रहे हैं, बैंक वाले बेचारे अपने काम कर रहे हैं अंदर, उनको बाहर क्या है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है उनको क्या है। जहाँ कोई पुलिस वगैरह कुछ ऐसे कोई गर्मी के मौसम है, लॉकडाउन तो बढ़ गया है और लॉकडाउन की वजह से जो बैंकों में जो लाइनें लगी होती हैं ना, मैंने तो देखकर हैरान रह गया, कोई बुज़ुर्ग माताएं बहनें जो लाइनों में लगी हुई हैं धूप में, कोई पानी का बंदोबस्त नहीं है, कोई छाँव का बंदोबस्त नहीं है, वो ऐसे करते दारे में अपनी चप्पल लगाकर
छाए में चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर आगे करके चप्पल आगे चले जाते हैं। मैं चाहता हूँ सरकार से जो बुज़ुर्ग वहाँ पर पैसे निकालने के लिए जाते हैं उनके लिए सरकार की तरफ से कोई सुविधा होनी चाहिए, ताकि जो बुज़ुर्ग माता बहनें बच्चे भी साथ होते हैं। मैं चाहता हूँ तो जो सरकार का कोई ना कोई उनके लिए बंदोबस्त हो। ये तस्वीर तुम दिखा करते जो लोग बैंक से जंदे उत्थे इन लोगों का गलाना कि मकामी बसनीकें का गलाना है जे जेडे उत्थे जेड़ा बैंक पास कोई इंतजाम नहीं किया गया है। जेकर कोई बैंक से जंदा है तो सोशल डिस्टेंसिंग के तहत उसकी बाहर खड़ोना पौंदा है, धुप्प इसलिए बड़ी तेज़ है ते उस करी उन्हें लोगों की मतिये मुश्किलें का जेड़ा सामना करना पवा करता है। उन्हें प्रशासन तमाम मांग की गई कि कोई ऐसा इंतजाम किया जा जे इन्हें लोगों की वह सहूलत थोई सके। हूँ चलने अगली खबर पास है। नवे पुलों के निर्माण के नाँ पर मड़ ब्लाक के ग्रां चन्नू चक च पुराने पुलों की भन्नी दिता गया हा, पर त्रै महीने गुजर जाने के मगरा भी नवे पुलों की नींह का काम अजे तक शुरू नहीं हो सकया है। सरकार के इस काम थमां मुकामी लोग हैरान, लोग सरकार के इस काम पर सवाल चुके हैं। लोगों के मुताबिक जिसल नवे पुल का निर्माण गया नहीं हुआ तो सरकार ने पुराने पुलों की भन्या, जेकर पुराना पुल है जी भन नहीं दिता है तो फिर नवे पुलों का निर्माण काम अजें तोड़ी की नहीं शुरू किया गया। लोगों की हूँ फिक्र होने लगी है कि जेकर बरसाती के मौसम समय पहले पुलों का निर्माण काम पूरा नहीं हुआ तो 12-13 ग्रां के लोग जोड़े हैं वो बगैर पुलों के कियां रुआर पार जांगन। सब दिक्कत तो है यहाँ पे, अच्छा वाला चल रहा था फिलहाल पहले, तो अब इन्होंने ये भी तोड़ दिया है तो आने जाने में काफ़ी तकलीफ़ हो रही है। यहाँ पे जो यहाँ पे बहुत ग्रामीण एरिया पड़ता है नीचे, तो सब्जी की सप्लाई जाती है, किसान यहाँ से इस रोड को यूज़ करते हैं तो काफ़ी सारी मूवमेंट रहती है इस रोड पे। पहले तो ठीक था सब कुछ, लेकिन अब टूटने की वजह से यहाँ पे बहुत ही सारी दिक्कत है। जब बारिश का मौसम आता है तो पानी का बहाव से यहाँ पे थोड़ा चलना भी दिक्कत हो जाता है, मुहार हो जाता है। अभी तक देख रहे हैं जैसे कि ये यहाँ पे कोई काम शाम तो लगाया नहीं इन्होंने, तो काम लगाने के पहले ही इन्होंने ये सब यहाँ पे ये तोड़ फोड़ के पुल को रख दिया हुआ है। तो 3 महीने पहले इसको तोड़ दिया था लॉकडाउन से पहले, और प्रशासन यहाँ पे मतलब कि बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा। अभी यहाँ पे मतलब कि गाड़ियों का आगे 10-15 गांव है, उससे ज़्यादा ही होंगे, पर यहाँ की कनेक्टिविटी सारी इसी से ही है, तो अभी कुछ नहीं है यहाँ पे। देखिए रोड की हालत कितनी बेकार है, मतलब कि कुछ खस्ता हालत है इसकी, तो मतलब कि प्रॉब्लम्स आती हैं लोगों को, मतलब फिर यही मतलब कि आगे कुछ हो नहीं रहा इस चीज़ पर। इतने इन्ने ग्रां इतों लिए कानी जाकर ललियाल वगैरह जो भी चिड़ी डब्बे जो भी है सारा ग्रां इस डिपेंड है। बाकी पुल बनाने को 3-4 महीने पहले तोड़ी उड़िया कि आने की परेशानी, कोई बीमार है जम्मू जाना हॉस्पिटल जाना कोई भी दिक्कत है, बुजुर्ग आदमी इतों नहीं चली सकता। कि पुल बनाने को पहले सोचना चाहिए इधर पुल बनाइए फिर तोड़ना चाहिए, बाकी ये करने ने शासन ही सोचना चाहिए ये कि नहीं चलेगा। इधर के रहने वाले तबका जो गरीब आदमी या जिमीदार जो भी है तबका वो किस तरह से गुजारा करेंगे। कल इतों बारिश आती है पानी पानी हो जाता है, मगर किन्ने पार जाएंगे, गड्डी वाले तो पैदल भी नहीं निकलना होता इतने, और इस तरह देखो ना गड्डियाँ जी आदि कि दिक्कत है, कोई बीमार है उस जैम पर लगे किन्ने भी है। यह माड़ ब्लाक के लोग जी अपनी परेशानियां सुना करते। हूँ चलने अगली खबरें पासा। जिला पुंछ के सरहदी डेरा मोहला खोरी वाला 8 वर पहले सिड़क का निर्माण काम शुरू हुआ जिदा अज तक पूरा नहीं हो सकया है। जिसल इस सिड़क का निर्माण काम शुरू हुआ तो उसल इतने के लोगों च खुशी की लहर ही, पर 8 वर बीती जाने के मगरा हूँ यह सिड़क लोगों की मुसीबत बनी दी है। सड़क बड़ी परेशानी है जी, बार्डर इलाकों आई हो, इसमें अगर कोई बीमार हो जाए मारा दर्द है, हम पुंछ में इलाज कराने वास्ते किस तरह जाएगा, कोई गड्डी को बंदोबस्त नहीं। तमें देखो हालत 8 साल हो गए इस रोड बनी भी ना, कोई मोटरसाइकिल नहीं चल सकते, कोई गड्डी नहीं तो आ सकती, तो अगर परेशानी की वजह किस तरह मंजा बद काम चाहवा चाहे थोड़ी किसी की डेथ ही हो जाए, कोई मर जाएगा, कुड़ी बीमार वह तो गोलाबारी को इलाकों बार्डर है, हर किस्म की बड़ी परेशानी है। हमारा बच्चा स्कूल जाए वे भी बड़ी दिक्कत के नाल जाए तू, और कोई पढ़ाई नहीं बचेंगी हो सकती, कोई कोई बीमारों का इलाज नहीं कराया जा सकता। 8 साल हो गए रोड ने, एक पास गवर्नमेंट आवे थोड़ा जो सिर को काट के फिर मुड़ के चली जाए, बारिश ना फिर रुट जाए, कोई डंगा नहीं कुछ नहीं। तो ठेकेदार यह जिला पुंछ के सारे दी इलाके के ग्रां के लोग जेडे गला करते हैं कि जेडे 8 वर पहले जेड़ा सिड़क का काम शुरू हुआ वो हूं तोड़ी पूरी नहीं हो सकी है। उन्हें प्रशासन थमां मांग की है कि इसकी तौले थमां तौला पूरा किया जा सके। अज के डुगरनामे बस इन्ना